यहाँ के सईद साजिद यूसुफ साहब जो हमारे मीडिया इंचार्ज हैं, इंजीनियर साहिल साहब, सलमान साहब, मुश्ताक साहब, सईद मुश्ताक साहब भी यहाँ तशरीफ फरमा है, और बाकी आप तारिक साहब प्रेसिडेंट जो आपके एसोसिएशन के हैं हमारे भाई, जब हम आपसे मिलते हैं तो हमें लगता है हम आप में से हैं, और ये आप में से हम होना कि हम सब एक है, आप सबों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। जब हम उस दिन आए थे, हम बाबा ऋषि आए थे, तो आप सारे मेरे भाई स्ट्राइक पे बैठे हुए थे, और आपके लीडरान, आपके प्रेसिडेंट साहिबान हमसे मिले और अपनी परेशानी बता दी। उसके बाद एक दिन ही के बाद हम एलजी साहब से मिले, और आप लोगों की वो बात जो यहाँ की परेशानी थी, क्योंकि हम नहीं मानते हैं ये आपकी परेशानी, ये हमारी है, हम गए एलजी साहब से मिले। एलजी साहब ने उस बात की मान उसका रखा, और कमिश्नर सेक्रेटरी सईद आबिद रशीद साहब तक बात पहुंची, जोहर साहब भी उसमें शाला बशाला थे। तब बहुत ज्यादा टाइम तो नहीं लगा तारिक साहब, बहुत जल्दी एक ऑर्डर पास हुआ जिसमें आप सबों ने एक खुशी का इजहार किया, और जो 1000 रुपया आपका फीस लगाया गया था गंडोला में, वो 300 रुपया कर दिया गया, और बाकी 50 जो लोग थे आपको, उनको पासेस दिए गए। ये नहीं है सिर्फ वही 50 लोग हैं, आप जानते हैं अब टूरिज्म का फ्लो है, आप हमारे सब लोग अपने हैं, ये नहीं है कि सरकार कुछ गलत कर रही है। बट मेरे भाइयों, हम जानते हैं कि हमें नियमों का भी ख्याल रखना होता है। जैसे आपने कहा, एक भाई ने मेरे यहाँ पे कहा कि गुलमर्ग हमारी माँ है, ये कश्मीर हमारी माँ है, और इस कश्मीर में रहने वाला हर एक हमारा भाई है, और जम्मू कश्मीर में आपने अब देखा टूरिज्म का फ्लो कब से हुआ, 5 अगस्त 2019 के बाद। यानी अगर हमारे प्रधानमंत्री जी दिल्ली से भी बात करते हैं, ट्वीट करते हैं, वो टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए ही बात करते हैं, कश्मीर के लिए, वो आप लोगों के लिए बात करते हैं, आप सब भाइयों के लिए बात करते हैं। हमारी पार्टी का मकसद ही है कि हम टूरिज्म के साथ जो वाबस्ता हमारे पढ़े लिखे नौजवान हैं, उनको रोजगार मिले। हाँ, जहां यहाँ पे आपने कई ऑफिसरान की बात की, ऑफिसर जब कुर्सी पे बैठता है वो नियमों को भी देखता है, मगर जब आपने बात अपनी सरकार तक पहुंचाई हमारे जरिए, क्या सरकार ने आपकी बात नहीं सुनी? तो हमें उसका भी शुक्रिया अदा करना चाहिए कि हमारी बात सुनी जाती है। अगर हमें कहीं पे भी किसी किस्म की आशंका है, रोष है, तो हम वो सारी बातें फिर से गवर्नमेंट तक पहुंचाएंगे, फिर से आबिद साहब से भी बात करेंगे, अपने एलजी साहब से भी बात करेंगे, क्योंकि हमारी पार्टी का मानना है कि हम अपने किसी भी नौजवान को परेशानी में नहीं देखेंगे, हम टूरिज्म देखेंगे, टेररिज्म हमें अब नहीं चाहिए, हमें टूरिज्म चाहिए हर ओर कश्मीर में, हमें आप लोगों की जो पढ़ाई है उसकी हमें बहुत इज्जत है, और जिस तरह से यहाँ पे फॉरेनर्स आते हैं उसमें चाहिए हमें पढ़े लिखे लोग,
जैसे अभी मेरा भाई कह रहा था कि हम यहाँ पे सारे एडुकेटेड लोग हैं, एमए, पीएचडीज, बीएड, डबल एमए, तो हमें चाहिए आप लोग। आप नाराज या दिल में कोई रोष नहीं रखिए। अभी तो इब्तिदा हुई है, इंतहा की बात क्यों करते हैं? आप खुश हो जाइए कि जब कोई भी आपके जो एमएलए रहे हैं, जो आप जिनको आपने हमेशा वोट दिया है, वो आपके पास कोई नहीं आया, उन्होंने आपको वैसे ही सरेराह छोड़ दिया। लेकिन हमें जो ही पता चला, आयस जहूर सबोज, तारिक सबोज, बाकी बुए आई, ऐसे कई ये मील में गोड़ गुलमर की पता आई, बड़ाई बाबा ऋषि तम पता आई गुलमर तब पर मेले इस बुतही ये स्टैंडस मन ने ब्रेक कहीं ना तन तम पर वो शायद दाह पंदा दो तो ही वो ऑर्डर पास। सो ऑर्डर उस तुम्हारे खतर टाइम वीज से था जरूरी तो बेयूं तुम बाकी मुताल बतीचे किन के कसन इंशाल्लाह रहमान और कोनी कैसे कोनी कसम परेशानी सरकार सोन छुमियन एलजी एडमिनिस्ट्रेशन हमारी चाहती है, हमारी सरकार दिल्ली से हमारा प्राइम मिनिस्टर चाहता है कि हमारा कश्मीरी नौजवान खुशी से रहे, कामयाब रहे। और अगर गुलमर्ग की बात आती है, पहलगाम की बात आती है, किसी भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन की बात आती है, वहां पे हमें आप लोगों की ही जरूरत है। यहाँ कोई बाहर का बांधा काम नहीं कर रहा है, आपकी जरूरत है, आपके साथ की जरूरत है, और आपके साथ सरकार भी है और हमारी पार्टी भी है। आप इसका यकीन रखिए, इंशाल्लाह बहुत काम हो गया आपका, अब थोड़ा बाकी रहा, उसके लिए भी हम तकदर करेंगे और आपका बाकी काम भी पूरा हो जाएगा। शुक्रिया। मैं एक बात शायद बताना भूल गया कि डायरेक्टर साहब ने जो ऑर्डर पहले पास किया था उसमें लिखा गया था इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन, स्पेस क्रंच, ओवरलोडिंग। मैम मैं एक बात समझ नहीं पा रहा हूं कि अगर हमारे वहां पे फ्री जाने से या 200 रुपए जाने दे के जाने से इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन होती है, स्पेस क्रंच होता है, ओवरलोडिंग होती है, क्या हमारा 1010 रुपया देके जाने से ये सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगी? तो अभी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ अशोक कौर जी से, प्लीज आप यहाँ आइए और तालियों से इनका स्वागत कीजिए, मिस्टर अशोक कौर जी। रखा है, उन्होंने सुना है,
डॉक्टर दक्षा अंद्राबी जी ने उन बातों को सुना है और मुझे पूरा यकीन है कि उनको हल करने में वो पूरी कोशिश करेगी। अगर कहीं कोई ऐसी बात होगी, उनको लगे कि मुझे भी कहीं बात करनी हो, तो मैं भी उनके साथ आपके हर प्रॉब्लम जो है, आपके हर जो मुतालबे हैं, उन मुतालबों को ठीक करने में, उनको सरल करने में, उनको हल करने में मैं भी आप सब लोगों के साथ मदद करूंगा। ये मेरा आप सबको विश्वास है। आप बहुत ठंड में इस समय हैं, आप काफी देर से यहाँ इंतजार कर रहे हैं। मैं इस बात को जानता हूँ, मैं इस बात को मानता हूँ, हमको आने में थोड़ा देर हो गया। 3 बजे का समय हमने बताया था, हम 4 बजे पहुंचे। उसके लिए भी मैं आपसे माजरत चाहता हूँ। लेकिन जो मैंने बताया कि आपके जो मुतालबे हैं वो बड़ी गहराई से डॉक्टर साहिबा ने सुने हैं और आगे भी उन मुतालबों को वो हल करेगी। और आपके जो अलग अलग सेक्शंस के प्रमुख है, वो प्रमुख भी उनसे मिले, अलग अलग इकट्ठे मिले, तो बड़ी महफिल में कभी कोई बात ठीक से नहीं होती है। अलग मिले और अलग मिलकर आप अपनी बात उनको रखें। और मैंने इस बात को फिर दोहराता हूँ कि मैं भी अपनी ओर से पूरी कोशिश करके आपके सारे मुतालबे हल करेंगे। लेकिन मेरा आप सबसे एक रिक्वेस्ट, कहीं ना कहीं अपने आप को आइडेंटिफाई करिए, हवा में मत लटकिए। हवा में लटकने का कुछ नहीं मिलेगा। आज तक आपको बहुत सारे लोगों ने, मैं नहीं कह रहा हूं कि आपको इस्तेमाल किया, आपने उनके साथ काम किया होगा, जरूर करिए, आगे भी करिए, मैं उसके लिए भी आपको रोकता नहीं हूं। लेकिन मेरा आपसे गुजारिश है, आपसे एक विनती है, अपने आप को कहीं आइडेंटिफाई करिए और आइडेंटिफाई करके इन सब मुतालबों का हल निकलता है। आपने मेंबर पार्लियामेंट चुना है, चुना है ना, आपने वोट डाला है ना, मेंबर पार्लियामेंट बना है ना, तो उस मेंबर पार्लियामेंट को आपने बताया कभी कि हमारी ये समस्या है? वो तो मेंबर पार्लियामेंट है, उसको हल करने के लिए सारे उसके पास चाबियां हैं, वो उन चाबियों को इस्तेमाल क्यों नहीं करता है? मेरा आपसे मुताबला है कि आप अपने आप को कहीं आइडेंटिफाई करिए। ऐसे हवा में रहेंगे तो हवा में ही रहते रहेंगे, आपका कोई मुताबला, आपकी कोई समस्या का समाधान नहीं मिलेगा। अपने आप को आइडेंटिफाई करिए और मैं अपने ओर से आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मेरे से जितना हो सकता है डॉक्टर दक्षा अंद्राबी जी जो मुझे कहेगी, मैं उन बातों को जहाँ भी पहुँचाना हो, जम्मू कश्मीर के एडमिनिस्ट्रेशन के पास पहुँचाना हो, दिल्ली के एडमिनिस्ट्रेशन के पास पहुँचाना हो, जरूर पहुँचाऊँगा और आपके सारे समस्याओं का समाधान करूँगा। मैं आपको एक बार फिर शुक्रिया करता हूँ कि आप इतने ठंड में आपने हमारा इंतजार किया। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। मैं एक बार फिर यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन